So class, I welcome you all in SP Smart Hybrid Schooling System. Today we will be discussing about the antonyms synonyms. So very first word which I really want to go with you, and I really want this class to be very interactive. What do you mean by elucidate? Elucidate is a word. Iska matlab kya hota hai? I really want to know the meaning of elucidate, bachche. Try. Don't go with the answers. You have option A, clarify, calculate. Related to education. Related to education. How come it would be related to education? How can you say it is related to education? Sir, it is to explain something. No, it is not regarding the explanation. Has explanation is given in the option? To clear something. To? Clear. Okay, to clear something. Why not calculate? Calculate to the commute. Summarize nahi ho sakta. It is mean just updation bhi nahi ho sakta. Elucidate hota hai when you are clarifying your doubts. If you're talking about your education, then the word is elucidate. And theek hai, ye iska synonym ho gaya. And what is the opposite of elucidate? Clear ka opposite kya hoga? To clear ka. जब आपको चीजें क्लियर नहीं होती तो आप क्या होते हो? डाउट. वेरी गुड. डाउटफुल. और जब आपको चीजें क्लियर नहीं होती बच्चे, तो आप टॉपिक को लेके कंफ्यूज होते हो. डाउटफुल या फिर कंफ्यूज. क्लियर है बच्चे? यस सर. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वर्ड. हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग वो कैप्स. मोनोटोनस. मोनोटोनस क्या होता है? यहाँ पे ड्रेरी है, ड्रेडफुल है, सिंगल माइंडेड है, मोनोलॉग है. क्या होगा मोनोटोनस? क्या होते हैं? डल. मोनोटोनस होता है एक ही रिदम में. यानी कि हमारा हार्ट जो है, आई गिव यू एन एग्जांपल, हमारा हार्ट जो है वो इस तरह से ईसीजी इस तरह से होती है ना, है ना. मगर हमारा ईसीजी जब स्ट्रेट होता है, इसका क्या मतलब होता है? इंसान ही इज नो मोर, ही इज नॉट टेकिंग ब्रेथ्स. अब बेटा मोनोटोनस का मतलब होता है जो बोरिंग हो, ठीक है, जो अट्रैक्टफुल नहीं हो. तो ड्रेरी का भी मतलब सेम होता है, जो यू नो जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना हो. और जो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? Not at all attractive का अपोजिट क्या हो सकता है बच्चे? क्लास, what can be the बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरी वन? क्लास, जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है उसका अपोजिट क्या हो सकता है बच्चे? सर वो अट्रैक्टिव होगा. अट्रैक्टिव. Think something else. कुछ और सोचो. जो चीज attractive नहीं है उसका opposite जो है cheerful होगा. क्या होगा? Cheerful. Cheerful भी हो सकता है. और क्या हो सकता है? और हो सकता है happening. Class, I want you to active. Okay. Kindle क्या होता है? कभी Kindle use किए? Kindle का मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ. Kindle का मतलब होता है टू एक्टिव, ठीक है, टू एक्टिवेट या टू एक्टिव, एक्साइट, ठीक है. कभी सुना डोंट एक्साइट द बेबी विल नॉट स्लीप देन. बच्चे को एक्साइट मत करो, एक बार वो एक्टिव हो गया तो वो दोबारा सोएगा नहीं. काइंड ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन. नो 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 नो, एक्टिवनेस. यू आर मेकिंग समथिंग एक्टिव. यू आर मेकिंग समथिंग स्टिमुलेटिंग. Stimulating can also be the synonym for the same. Kindle. Excite. तो बेटा इसका opposite क्या होगा? Active या excite का opposite क्या होगा? Quench. बेटा active का inactive होगा बेटा. Simple. Inactive. Right? या फिर इसका indifferent भी हो सकता है. क्या हो सकता है? Indifferent.
पैलेटियल क्या होता है? पैलेटियल का मतलब होता है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मैग्निफिशेंट कहते हैं यार दिस कार इज रियली मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होगा बच्चे? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ब्यूटीफुल को हम और क्या कह सकते हैं? अट्रैक्टिव, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गया, इम्प्रेसिव हो गया, ठीक है। इम्प्रेसिव का एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, ठीक है। और एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव जो चीज़ है, जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका अपोजिट क्या हुआ? इम्प्रेसिव का अपोजिट क्या हो गया बच्चे? नॉट ब्यूटीफुल, ओके। लेस अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता बच्चे, क्या होता है? अनअट्रैक्टिव, ओके। और इम्प्रेसिव का क्या बना अपोजिट? इम्प्रेसिव, ठीक है, या फिर अनइंस्पायरिंग। अनइंस्पायरिंग, गॉट इट बच्चे? आपने एक वर्ड सुना होगा जो कि कॉमनली यूज होता है, टैक्टफुल। यार ही इज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन। टैक्टफुल का क्या मतलब होता है मुझे ये बताओ हिंदी में। सर जो किसी भी तरीके से अपना काम करना जानता हो, सही या गलत, मतलब बैलेंस करके, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, टैक्टस हम बोलते हैं ना, कोई भी टैक्टस बाय हुक और बाय क्रुक जो काम करना जानता हो। वेरी गुड, यू आर ऑन द टारगेट। टैक्टफुल होता है जिसको काम करने का तरीका पता है, टैक्टिस मेथड, जिसको काम करने का टैक्ट पता है, ठीक है। इनडिफरेंट अलग हो गया, इंटेलिजेंट अलग हो गया, डिसिटफुल नहीं होगा इसका, डिप्लोमैटिक हो गया, डिप्लोमैटिक तरीके से। बिल्कुल सही कहा जगनूर ने, वो किसी भी तरह से काम कराना जानता है, साम डाम दंड भेद, राइट। वो हो गया डिप्लोमैटिक। और टैक्टफुल का अपोजिट क्या हुआ? टैक्टलेस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसने आंसर दिया? जानवी। जानवी कह रही है टैक्टलेस। तो टैक्टफुल का अपोजिट क्या हुआ बच्चे? सर हम हार्ड वर्कर भी तो टैक्टलेस ही हुआ, मतलब हम कह सकते हैं जो हार्ड वर्कर होता है, कैसे? जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा तभी तो हार्ड वर्क कर रहा है, वो टैक्टफुल तरीके से काम नहीं कर रहा तभी तो हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड वर्क बेटा इसमें इसका इसका सिनोनिम आ सकता है, इसका अपोजिट नहीं आ सकता। सॉरी, इसका अपोजिट कैसे आएगा हार्ड वर्कर? हार्ड वर्कर हो गया एक तरह से सोचिए, वो मेहनत हो गया। कोई एग्जांपल दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी को आप आपका जो कहने का तरीका मैं समझ गया कि दिस पर्सन इज ए हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर वो हो गया जिसको मेथड नहीं है काम करने का। स्मार्ट वर्कर वो हो गया जो कि कम मेहनत करके भी टैक्टफुली काम कर लेता है। यू वॉन्ट टू से दिस थिंग ओनली? यस सर, है ना, आई एम गेटिंग यू। बट बच्चे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंटोनेम की, तो वो एंटोनेम नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड वर्क इज समथिंग विच इज लिंक्ड विद योर मेहनत। तो यहाँ पे टैक्टफुल मेहनत दूसरी सेंस में हो सकता है अगर आप उसको कवर करना चाहें, मगर एग्जैक्टली नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग इट जगनूर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई गॉट यू, आप बिल्कुल सही हैं। yes, यू हैव ए वेरी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, बट इट कांट बी गेटिंग फिट, क्योंकि इंग्लिश इज लुकिंग फॉर सम एप्रोप्रिएटनेस। अगर यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, अब जगनूर भी सही है, जगनूर कब सही होती? अगर यहाँ पे ए में डिप्लोमेटिक नहीं होता और हार्ड वर्कर होता, ठीक है, और आपको एंटोनिम फाइंड करना पड़ता, तो आप उसमें हार्ड वर्क को टिक करते तो आपका वो सही होता। आर यू गेटिंग इट? अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस व्हिच इज गिवन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू नीड टू स्कैन द ऑप्शन फर्स्ट, कि ऑप्शन क्या है और ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मीनिंग जो है वो इसके क्लोज में आ रहा है, इसके सेट बैठ रहा है, ठीक है बच्चे? समझ रहे हो ट्रिक को? ट्रिक क्या है? yes, आपने सबसे पहले ये ऑप्शन पढ़ ली चार, आपने अपना आंसर देखा, आपको उसका मीनिंग पता है, मगर मीनिंग के हिसाब से आपकी कौन सी ऑप्शन जो है उस वर्ड को क्लोजली हिट कर रही है, दैट विल बी द आंसर। बट इट कैन ओनली बी डन वंस यू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। क्लियर बच्चे?
इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो सिनोनियम्स हैं। सिनोनियम्स आपको आने ही चाहिए, और सिनोनियम्स अगर आपको आते हैं तो आप एंटोनिम्स आसानी से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? यस सर। वेरी गुड जगनूर, कीप इट अप, राइट? ओके सो बच्चे, यहाँ पे मैं 6th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वेरिशियस, वेरिशियस क्या होता है? काइंड ऑफ ग्रीड, नहीं, वांटिंग समथिंग। वेरिशियस हो गया, हाँ, वांट, ये किसने बोला वांटिंग समथिंग? मैंने। वेरी गुड, वांटिंग समथिंग हो गया कि जिस इंसान को डिजायर है टू गेट मोर एंड मोर, डिजायर टू गेट मोर, ठीक है, ठीक है। जिस सर ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये ह्यूमन एपेटाइट के लिए भी यूज होता है, मतलब जिसकी एपेटाइट बहुत ज्यादा हो उसको भी हम इस वर्ड से रेफर करते हैं। अब एक और चीज जगनूर, अगर मुझे, अगर मैं आपको ये कहता हूँ उसे जीएम बनने की भूख है, क्या यहाँ पे एपेटाइट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे जो भूख है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे जीएम बनने की भूख है या उसे पीएम बनने की भूख है? पीएम इज अ डेजिग्नेशन बच्चे। अब उसे पीएम बनने की भूख है मतलब कि यस सर। ही इज, उसकी एपेटाइट बढ़ रही है। यहाँ पे भूख किसको रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, है? यहाँ पे भूख रिप्रेजेंट वांटिंग, कर रहा है डिजायर। डिजायर को। गेटिंग इट? अब एज पर दी ऑप्शंस आपको यहाँ पे एपेटाइट आता इंसेटेबल की जगह, ठीक है, तो आप एपेटाइट पे क्लिक करते हैं। मगर क्या आपको इनसेटिएबल का मतलब पता है? नॉट इनसेटिएबल, सेटिस्फाइड। यस। और बंदा कब सेटिस्फाइड नहीं होता? डिजायर्स बहुत ज्यादा होती बंदा हैं। कभी सेटिस्फाइड नहीं होता यार। ए मैन कांट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमन नेचर, बिकॉज ऑफ ह्यूमन, क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन, उसकी ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी। टेंडेंसी। यस, यू टुक द वर्ड अवे फ्रॉम माई माउथ बच्चे, ठीक है। तो उसके डिजायर्स जब तक खत्म, मतलब कि उसके डिजायर्स कब तक बढ़ेंगे? जब तक वो, उसे किसी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, और जब उसे सेटिस्फैक्शन होगी, जब उसे संतुष्टि मिलेगी, तब उसके डिजायर जो हैं वो पार पे आ जाएंगे, या उस, वो उस पर कंट्रोल कर लेगा। आर यू गेटिंग इट? अब फिर से इस क्वेश्चन में यस जगनूर वाली बात आती है। आज जगनूर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था पहले वाले क्वेश्चन में। वेरेशियस, वेरेशियस का मतलब हो गया जिसके बहुत ज़्यादा डिजायर हो। अब इनसेंटेबल इसलिए यहाँ पे वर्ड फिट हुआ क्योंकि अनसेटिस्फाइड का मतलब है कि उसके अंदर अभी भी डिजायर हैं। दिस वर्ड इज वेरी क्लोज टू दिस, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। क्लियर? गॉट इट? अब सर। समझ में आ रहा है? अगर आपको मीनिंग पता है बच्चा, अगर आपको सिनोनिम पता है, तो आपको देखना है कि इस वर्ड को क्लोजली कौन सा वर्ड हिट कर रहा है, उसके बाद ही आप राइट आंसर दे पाएंगे, एल्स इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक विच यू कैन जॉट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर है बच्चे? यस ओके सर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज वेरी गुड, रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट। वेरी गुड। किसने बोला रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन, वेरी गुड हिमानी। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन करना। रिस्ट्रिक्शंस मूवीज में जब लगती हैं उसे क्या कहते हैं? सेंसर्स। वेरी गुड, सेंसर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन सेंसर ये क्या होता है? इसे कहते हैं स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का यहाँ पे सिनोनिम क्या है? सेंसर्स। सेंसर, ठीक है, क्योंकि मूवी में रिस्ट्रिक्शन लगने को भी सेंसर कहते हैं। और सेंसर का अपोजिट क्या होगा बच्चे? सेंसर का सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, द मूवी इज अनसेंसर्ड और समथिंग विच इज नाउ एक्सेप्टेबल, अनरिस्ट्रिक्टेड। समझ में आया बच्चे? सो सिनोनिम से एंटोनिम्स निकालना बहुत आसान होते हैं। यू हैव टू फोकस मोर ऑन सिनोनिम्स। आर यू गेटिंग इट? ये जो ट्रिक मैंने आपको यस बताई सर। है,
टू नो द सिनोनिम्स सो दैट यू कैन इजिली फाइंड द एंटोनिम्स और टू हिट द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड. क्या ये ट्रिक सबको क्लियर है? Yes, sir. बेटा आई एम नॉट आस्किंग जगनूर, आई एम नॉट टीचिंग जगनूर, आई एम टीचिंग एवरीवन, हिमांशी, रिया. क्या ये ट्रिक सबको क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, सो ऑबिसेंस क्या होता है? ऑबिसेंस का हिंदी में मतलब बताओ कोई. श्रद्धा. श्रद्धा, रिस्पेक्ट, है ना? श्रद्धा हो गई रिस्पेक्ट, है ना? पिलिग्रम, पिलिग्रम हो गए जो श्रद्धालु होते हैं. ऑब्लिगेशन होगी मनाई. सब्यूगेशन हो गया सब्जेक्टलाइज, ठीक है. होमेज क्या हुआ? होमेज किसी को घर देना, किसी को रिस्पेक्ट करना पब्लिकली, किसी को पब्लिकली रिस्पेक्ट देना, उसको होमेज कहते हैं. तो ऑब्वियसली श्रद्धा क्या हुई? रिस्पेक्ट है ना, जो दिल से निकलती है भगवान के लिए. यस सर, यस, है ना? तो इसका क्लोज मीनिंग क्या है? होमेज. अब होमेज का, रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होगा? Criticize. Disrespect. Very good. Criticism. किसने बोला? मैंने. Criticism या disrespect. देखो आपने synonyms को जाना और आपके antonyms अपने आप निकलते हुए सामने आ गए. So बेटा work this way. You need to go with the right strategies which are being taught to you in the class. Is it okay, class? Yes, sir. Okay. Yes, sir.